अजमेर से दो बुजुर्ग बहनों के अपहरण का मामला, देवनानी के निर्देश पर स्पेशल टीम गठित, कहा कानून का राज हमेशा रहेगा कायम। अजमेर बजरंगगढ़ रोड स्थित एनसीसी ऑफिस के सामने एक घर से दो महिलाओं के आज सुबह हुए अपहरण के मामले में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने संज्ञान लेते हुए शनिवार शाम पीड़िताओं के आवास पर पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी ली। साथ ही पुलिस अधिकारियों को मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इससे पहले सुबह घटना की जानकारी मिलते ही देवनानी ने पूरे घटनाक्रम पर सक्रिय रूप से मॉनिटरिंग भी की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को तुरंत एक्शन के निर्देश दिए। इस पर पुलिस ने स्पेशल टीम गठित कर कार्रवाई की और महिलाओं को अपहर्ताओं से मुक्त करा लिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं सभ्य समाज में कतई स्वीकार्य नहीं है और हर हाल में कानून का राज बना रहना चाहिए। देवनानी ने पुलिस अधिकारियों को घटना में गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ विधि सम्मत सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए मामले में लिप्त मुख्य आरोपी को भी जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक से बात की है और जरूरत पड़ने पर गृह मंत्री से भी बात की जाएगी। देवनानी ने कहा कि सुबह घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने संवेदनशीलता और गंभीरता दिखाते हुए तत्काल रेस्पॉन्स किया, जिसके चलते अपहृत दोनों बुजुर्ग महिलाओं को आरोपियों के चंगुल से छुड़वाया जा सका। पीड़िताओं से मुलाकात के दौरान देवनानी के सामने यह तथ्य भी आया कि शहर में कुछ संगठित लोगों की ओर से संपत्तियों के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर हड़पने का भी गैरकानूनी काम चल रहा है। इस पर देवनानी ने पुलिस अधिकारियों की इस ओर जागरूक रहने और शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया। इस अवसर पर जैन समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों ने विधानसभा अध्यक्ष का आभार जताया। जैन समाज के प्रमुख जनों में भाजपा पार्षद रूबी जैन, प्रवीण जैन, गौरव जैन आदि मौजूद रहे। वहीं जैन समाज के द्वारा मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपियों के चंगुल से दोनों महिलाओं को सकुशल छुड़ाने और कुछ ही समय में चार आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ध्रुव सिंह राजपुरोहित सहित कृष्णगंज थाने के SHO अरविंद सिंह चारण सहित पूरी टीम को सम्मानित भी किया गया। NCC ऑफिस के सामने पास में जो मकान है वहाँ पे एक दिल दहलाने वाली घटना हुई है, जिसमें यहाँ पे पुराने मकान को लेकर के जो कुछ FIR दर्ज थी, लेकिन सामने वालों ने उन्होंने कानून अपने हाथ में लेकर के यहाँ पे हमारी दो बहनों को अपहरण किया और अपहरण करने के बाद दूसरी जगह ले जा रहे थे और ज़बरदस्ती साइन स्टाम्प पेपर उनको यातनाएं भी उन्होंने दी। और यातनाओं देने के बाद जैसे ही हमारी जानकारी में आया CI ने पहल करके उनका पीछा भी किया और कुछ ही समय में उसमें से पहले एक फिर दो लोगों को अरेस्ट भी किया और कुछ चार लोग थे बाकी दोनों को भी पुलिस अरेस्ट कर लिया है, मेडिकल करवा के और उनको कठोरतम धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है और मैंने भी पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए हैं इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करो। इनके नाम से बताते हैं कि पहले के कई केसेस हैं, वो यदि केसेस ओपन करके अगले को यदि हिस्ट्री शीटर की भी कार्रवाई करनी पड़े तो करें। और यहाँ पे अजमेर है, यह कोई हिंदुस्तान है, यहाँ पे कानून का राज है, ऐसे समय में इस तरह की घटनाएं होना वास्तव में अनहोनी है, हमारे लिए पीड़ादायक है और यूँ कहें कि एक तरह की शर्मनाक घटना है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे ही मालूम हुआ मैंने भी इनसे चर्चाएं की हैं, वास्तव में वे इंसान नहीं हैं, एक तरह से शैतान ही वो लोग हैं और इस तरह के निम्न स्तर पर उतर आए हैं। कानून अपना काम करेगा और कानून की ओर से उनको कठोरतम सजा दिलाने की कार्रवाई करेंगे। मैंने पुलिस को कहा है कि इनके जरा तार कहाँ कहाँ हैं उसको भी ढूंढें ताकि अजमेर में इस तरह की घटना कहीं और जगह न घटित हो सके, इसका प्रयत्न करेंगे। और आवश्यकता हुई तो IG तक तो मैंने बातें की हैं, आवश्यकता तो जयपुर में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से बात करके भी इनको सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अभी अजमेर में पिछले दिनों कुछ जानकारियां आ रही हैं, कुछ लोग कूट रचित दस्तावेज बना करके ज़मीनों और मकानों पे अपने दावा ठोकते हैं, फिर सामने वालों को ब्लैकमेल करके कुछ पैसे हड़पते हैं और कुछ जगह सफल भी लोग बताते हैं हुए हैं। तो मैं पुलिस को भी कह रहा हूँ ऐसे विषयों पे अब वो तुरंत जागरूक भी रहें और ऐसे कोई शिकायत आए उस पर भी तुरंत कार्रवाई करें ताकि यहाँ पे कानून को मानने वाले नागरिकों को एक सुरक्षा मिल सके ताकि वो अपना जीवन यापन कानून के अनुसार शुद्धता से जी सकें।